Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Avantika Ji. She is a fit mom, dancer also, and she is a journalist also. So, ma'am, welcome to the show. आपके बारे में मैंने Instagram में बहुत कुछ देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस talk show में invite किया. Thanks for coming to the show. Thank you, Amit. शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए यहाँ पे. And it's a pleasure to be here and to be interacting with you today. थैंक यू मैम. थोड़ा सा आपके बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है आपके उसमें जो बायोडाटा है. फिट मॉम भी है, डांसर है, जर्नलिस्ट है, तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा. बस क्या बोलूं, एक औरत हूं, हिंदुस्तानी औरत जो बहुत कुछ करना चाहती है, संक्षिप्त में कहूँ तो. हालांकि प्रोफेशनली आई स्टार्टेड माई करियर एज जर्नलिस्ट. I was in Delhi also for quite some time. I worked for the Hindustan Times and the Indian Today in the editorial division. And उसके बाद इंडिया टुडे में मैं काफ़ी टाइम रही एंड बॉम्बे भी आ गई. मेरा हस्बैंड का ट्रांसफर, तो मैं बॉम्बे भी आ गई साथ में. उसके बाद मैं आई बिकेम अ मदर. एंड तो जाहिर सी बात है, मीडिया में 24/7 वाला जॉब होता है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट होते हैं, तो इंडिया में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. स्पेशली डे केयर फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती है, टू कंटिन्यू लाइक योर न्यूज डेस्क जॉब. सो विच इज़ वेन आई थॉट, यू नो, मे बी इट्स टाइम टू टेक अ रेगुलर 9-to-5 जॉब. तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद जी डिजिटल एंड एज एन एसोसिएट एडिटर फॉर द हेल्थ पेजेस. एंड वहीं से मैं अपने एज अ मदर आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसिस एंड आई बिकेम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ एंड फिटनेस एज वेल. बिकॉज एक बार आप जब यू आर बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चाइल्ड, आप सडनली बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं. तो मैंने ये रियलाइज किया कि हम मतलब बच्चे का तो ख्याल सब रखते हैं, बट माँ का ख्याल कौन रखेगा. बिकॉज सब कोई यही पूछते हैं कि हाउ इज़ द चाइल्ड, हाउ इज़ द बेबी डूइंग, यू नो, बेबी ने खाना खाया कि नहीं, बट माँ का ख्याल कोई नहीं रखता. तो विच इज़ वाई आई थॉट दैट, यू नो, आई शुड बी टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम अ जर्नलिस्ट एंड अ स्टोरी टेलर, आई थॉट, यू नो, आई विल टॉक अबाउट इट, दैट वाई क्यों ज़रूरी है एक माँ का अपना ख्याल रखना, साथ ही साथ यू नो कि पूरा परिवार का भी ख्याल रखे, पर अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है. और फिटनेस की बात कहूँ तो मैं माँ बनी तो मैं बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई फिटनेस के प्रति. बिकॉज बहुत वजन बढ़ जाता है, यू हैव अ टफ टाइम, यू नो, गोइंग बैक टू योर ओल्ड वेट, बट यू ऑल्सो रियलाइज दैट यू कैनॉट, लाइक हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी एज अ मदर. इफ यू ऑल से कूल टेक केयर ऑफ द फैमिली ऑफ द बेबी, तो मेरे लिए फिटनेस से वेट लॉस से ज़्यादा फिटनेस वो समथिंग दैट आई रियली रियली टुक चार्ज ऑफ माई सेल्फ. एंड मैंने सोच लिया था कि मतलब मैं अपने सारे काम खुद करूँगी, मेरे को हाँफना नहीं है, मेरी सांस नहीं फूलनी चाहिए, मैं इतनी एक्टिव होनी चाहिए, इतना स्टैमिना होना चाहिए कि मैं मॉल भी घूम लूँ दिन भर तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े. हालाँकि ऐसा होता है कभी कभी, यू नो, ये थक जाते हैं, बट मतलब अमूमन ज़िंदगी में मैं एक्टिव रहूँ. तो इस नज़रिए से मैंने फिटनेस की तरफ मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई टू बी फिट एंड टू बी हेल्दी. एंड आई वॉज इन शंघाई फॉर 2 years ब्रीफली व्हेन माई डॉटर वॉज बॉर्न. एंड शंघाई में मैंने देखा दैट पीपल आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ. तो जैसे वो खाना खाते हैं, जिस तरह से वो अपना ख्याल रखते हैं, जिस तरह से वो एक स्पोर्ट खेलते हैं, यू नो, एक्टिविटी, साइकिलिंग, वॉकिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मतलब वहाँ के लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं एवरी डे, एवरी सिंगल डे. तो मुझे थोड़ा बहुत वहाँ मेरी ज़िंदगी ने, जो मेरे 2-3 साल वहाँ थे, वहाँ से भी मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला और मैं बहुत ज़्यादा ही जागरूक हो गई टूवर्ड्स फिटनेस. एंड वापस जब मैं आई तो मैं ऑफकोर्स एज अ मदर आई स्टार्टेड अबाउट राइटिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस एज अ मदर, एज अ फिट मॉम, एंड वाई फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट. एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग ऑल्सो, विच इज़ वेन आई started working with the Asian Parent Philippines as their content and strategy head and Singapore website. And then Momspresso, jo ki Bharat ka sabse bada community hai for moms. I joined them in 2018. So yeah, currently I'm heading brands and alliances for Momspresso. I talk about fitness. I'm a fitness evangelist. I am a Zumba instructor. I am very fit in my daily life in the sense that I make sure ki main fitness becomes a way of life for me. And wahi main baat karti hu for my daughter also, in my community also. And I talk about also emotional and mental health. And kyunki main journalist rahi hu peshe se,
तो वो स्टोरी टेलर, वो कहानी का जो कहते हैं कहानीकार, और वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताना, वो तो मेरे अंदर हमेशा ही रहेगा. सो दैट इज वेयर आई एम टुडे. एंड मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी भी है, फिट मॉम्स ट्राइब इंडिया, शायद आपने देखा होगा, वेयर वी टॉक अबाउट मॉम्स एंड हाउ दे आर कीपिंग फिट, एंड इमोशनल मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हम ज़्यादा बात करते हैं उस कम्युनिटी में. सो वही कोशिश कर रहे हैं कि फिटनेस बिकम्स लाइक अ वे ऑफ लाइफ फॉर एवरीबॉडी. That's wonderful, Jandi. मतलब मैं अभी आपसे भी बहुत कुछ को मिलेगा, बहुत कुछ इस टॉक शो के दौरान हम बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे. मैम आपने अभी जुम्बा के बारे में बताया, जुम्बा के बारे में थोड़ा सा बताना, मैं आपसे जानना चाहूंगा. तो क्या हुआ कि हमें एक्चुअली क्या है कि इतना फिटनेस के प्रति इतने फैट्स, क्योंकि आप खुद फिटनेस एंड मैराथन रनर हैं, जिसे आप मैंने देखा भी आपके चैनल में, फिटनेस के प्रति इतने सारे मिथ्स हैं, इतने सारे फैट्स हैं, जिसको कि मतलब भेड़ चाल हर्ड मेंटालिटी है हर जगह कि ये भी करेगा तो मैं भी वही करूंगी, इससे पतली होगी तो मैं भी उसी से पतली होंगी. हम भूल जाते हैं कि एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी पर्सन exercise choice can be different. What works for me will not work for you. अगर suppose आप weight training करते हैं और आपको मजा आता है उसको करने में, maybe आपके लिए वो work करता हो, but अगर मैं zumba करती हूँ या मैं dance करती हूँ, मुझे जो खुशी और जो एक level of zen मिलता है उसमें, वो मुझे शायद किसी और चीज़ से नहीं मिले. अब मैं योगा भी करने लगी हूँ, मैं एक साल से कलरी पायटू सीख रही हूँ, मार्शल आर्ट्स ऑफ केरला, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड एंशंट मार्शल आर्ट फॉर्म जो कि इंडिया का है, मैं वो सीख रही हूँ कलरी पायटू. तो मेरा जुम्बा से जब मैं जुम्बा करने लगी, क्योंकि मैं शंघाई में थी, वहाँ बहुत ठंडा था, और जाहिर सी बात है मेरा बच्चा छोटा था, तो आई कुड लीव हर विद एनीबडी बिकॉज आई वॉज अलोन देयर, माई हस्बैंड वाज बिजी विद हिज वर्क एंड ऑल. सो मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज देख देख के एक्सरसाइज करना शुरू किया, एंड यूट्यूब इज़ अ बिग बिग मीडियम ऑनेस्टली. ये इंटरव्यू भी शायद हम यूट्यूब में ही करेंगे. तो यूट्यूब में बहुत चैनल देखे, तो मुझे ना बहुत सारा ट्राई किया मैंने, फिर शंघाई में मैंने जिम ज्वाइन किया, स्पिनिंग ट्राई किया, जॉगिंग रनिंग सब किया, बट मैं ये भूल गई कि अल्टीमेटली मुझे ना डांस ही पसंद है. तो देन आई केम अक्रॉस जुम्बा एंड आई स्टार्टेड डूइंग जुम्बा एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, एंड दैट्स हाउ यू नो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लूजिंग वेट, आई स्टार्टेड बिकमिंग फिट, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू माय एक्सरसाइज. और इसीलिए मैं इस बारे में बहुत जोर देती हूँ कि वो करें जो आपका मन करे, वो ना करे जो आपका पड़ोसी कर रहा है. वो चीज़ करें जो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू आर हैप्पी व्हाइल वर्किंग आउट, यू रीच दैट फ्लो, यू रीच दैट ज़ेन स्टेट, यू रीच दैट फेज जहाँ आपको लगता है कि एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, तब तक आपको वेट के आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. यू वोंट बी हैप्पी, यू विल नॉट हैव दोज हैप्पी हार्मोन्स सर्कुलेटिंग. और जब तक आप हैप्पी नहीं होगे वाइल डूइंग एनी एक्टिविटी इन लाइफ, उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो जुम्बा करते करते मैंने रियलाइज किया कि मुझे बहुत पसंद है, और आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी एंड चीयरफुल एंड वेरी पॉजिटिव व्हेन आई डू जुम्बा. एंड व्हेन आई केम बैक टू इंडिया आई जॉइंड अ जुम्बा क्लास, एंड वहाँ मेरी जो इंस्ट्रक्टर फ्रेंड थी, वो मुझे कभी कभी बोलती थी, बिकॉज मैं अच्छा करती थी और मैं कथक डांसर भी हूँ, तो बोलती थी कि आप ना अच्छे से इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हो, आप क्लास ले लो हफ्ते में एक दिन दो दिन. तो मैं ऐसे करके लेने लगी, मैंने रियलाइज किया कि यू नो मैं अच्छा क्लास ले लेती हूँ, एंड दैट्स हाउ उनका एक इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग हो रहा था, मैंने कहा व्हाई नॉट टेक एन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग. सो आई बिकेम एन इंस्ट्रक्टर इन 2018, एंड हालांकि मैं अभी क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज मैं और भी चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ लाइफ पे, स्पेशली माई ओन डिजिटल प्रेजेंस एंड माई ओन पर्सनैलिटी एज एन इन्फ्लुएंसर. तो जुम्बा की क्लासेस नहीं लेती हूँ, बट इवेंट्स कर लेती हूँ कभी कभी. तो लॉकडाउन से पहले 2019 में आई हैड डन अ वार्म अप सेशन फॉर द इंडियन आर्मी इन्फेंट्री मैराथन इन इंदौर. आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद द इंडियन आर्मी फॉर दैट. फिर एक दो कॉर्पोरेट सेशंस किए, तो वो वैसे करती हूँ, बट आई डोंट टेक क्लासेस. तो या जुम्बा वॉज अ डिस्कवरी फॉर मी, एंड रियली रियली एक्चुअली इट टॉट मी दैट वॉट फिटनेस एंड वॉट योर वर्कआउट शुड बी फॉर यू. मैम डांस आपने सीखा है? यस, मैंने कथक की ट्रेनिंग ली है. जब छोटी थी तब सीखती थी, बट क्योंकि हम एक ऐसे समय से आते थे जब माँ बाप इतना जोर नहीं देते थे कि आप डांस करो. मैं आई एम 40 एंड मैं बात करी 90s की, तो मेरा 10th था, तो मम्मी ने कहा कि अभी भैया पढ़ाई करो, छोड़ दो डांस. मैं कथक सीख रही थी तब उस समय, तो मैं कम्प्लीट नहीं कर पाई. जब मैं वापस बॉम्बे आई और जब मैं आई बिकेम अ मदर, आई रियलाइज कि मैं मतलब मैं अगर एक आई कैन टेक केयर ऑफ अ लाइफ, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरे को ना अपने
चीज़ें भी करनी चाहिए जो मुझे करनी चाहिए थी हमेशा से. तो आई स्टार्टेड लर्निंग कथक. तो मैंने फिफ्थ ईयर गंधर्व विश्वविद्यालय से कब्लीर कर लिया है. मैं सिक्स्थ ईयर में हूँ एंड पैंडमिक की वजह से हालांकि वो रुक गया है. तो आई विल बी रीजॉइनिंग रीकनेक्टिंग विद माई इंस्टीट्यूट नाउ. बट या प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है कथक की. आई ऑल्सो नो सालसा, आई नो जैज, आई नो फोक डांसेज ऑफ इंडिया बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन डांसिंग इन स्कूल एंड कॉलेज. आई यूज्ड टू कोरियोग्राफ शोज इन कॉलेज एंड अदरवाइज ऑल्सो वेर आई स्टे आई डू अ लॉट ऑफ शोज. तो या मैंने ट्रेनिंग ली है. Ma'am, how do you manage your time to stay motivated? देखो मैं हमेशा ये बोलती हूँ अमित कि यू आर योर बिगेस्ट चीयर लीडर एंड यू आर योर ओन एंकर. आपको अगर आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हो और मतलब आपको अपनी प्रोमिसेज अपने कमिटमेंट अपने आप से तो रखने ही पड़ेंगे. आप किसी और से रखें ना रखें, अगर आप अपने आप से नहीं रख पाए तो फिर क्या फ़ायदा, क्या मायने किसी और के साथ कमिटमेंट करने का. तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है ज़िंदगी में. मतलब मैं खाली नहीं बैठ सकती और मुझे ना ये लगता है कि इतना सब कुछ अगर सीख सकते हैं तो वाई नॉट. जैसे मैं अभी कलरी पोएट्री सीख रही हूँ. कलरी पोएट्री से मैंने ये जाना है कि योगा से जो स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दैट आई एम डूइंग इन कलरी पोएट्री, इट्स अमेजिंग. द कोर स्ट्रेंथ जो मेरा अभी बिल्ड हो रहा है. तो हर चीज़ से आप कुछ नया सीखते हैं. दूसरी बात ना, बहुत सारे लोग ना फिटनेस में ज्वाइन करते हैं, कोई भी रूटीन लेते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वेट लूज करेंगे या अच्छे दिखेंगे तो इसलिए शायद जाना चाहिए. वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी चीज़ आप ज्वाइन कर रहे हैं इट हेल्प्स यू एट एन ओवरऑल लेवल. जैसे अगर आप जुम्बा को देखें या आप योगा को देखें, आपको काउंट्स करने पड़ते हैं, आपको एक्सरसाइजेस याद रखने पड़ते हैं, आपको पोजेस होल्ड करने पड़ते हैं, तो आपका दिमाग भी चलता है साथ साथ. आप सूर्य नमस्कार ही कर रहे हैं बाय द वे, तो सूर्य नमस्कार को आपको पोजेज याद रखने पड़ेंगे, आपको 112 वो सारा याद करना पड़ेगा. सो अपना ब्रेन भी यूज कर रहे हो, डांस कर रहे हो, राइट लेफ्ट बैक फ्रंट वो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है. इट्स रियली हेल्प्स योर मेमोरी, इट हेल्प्स योर ब्रेन, इट हेल्प्स योर ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट ओनली योर फिजिकल अपीयरेंस. एंड विच इज वाई आई से कि फिटनेस का इतना वेट लॉस और ये जिम डाइट फैट डाइट के चक्कर में इतने मिथ्स बन गए ना कि टोटली पीपल हैव बीन ब्रेन वॉश्ड. दे डोंट नो दैट व्हाट एक्चुअली फिटनेस, हाउ फिटनेस कैन चेंज यू इन द रियल लाइफ. सो आप एक्टिव रहते हैं, मेंटली आप अजाइल रहते हैं, यू फील लाइक एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे एंड स्लोली यू विल सी दैट यू नो कि आपका ब्रेन भी फंक्शन कर रहा है. सो ओल्ड एज में इट विल हेल्प यू. पीपल गेट अल्जाइमर्स, दे गेट पार्किंसन. सो जुम्बा में तो यही बोलते हैं कि द वे यू आर कोऑर्डिनेटिंग आपके मूवमेंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं, सो इट ऑल्सो हेल्प्स योर ब्रेन फंक्शन प्रॉपरली. सो बहुत सारे फायदे होते हैं फिटनेस के. मतलब उसके बारे में बात नहीं करते लोग, डिप्रेशन, यू आर एक्सरसाइजिंग ऑल द टाइम तो वो आपके हैप्पी हॉर्मोन सर्क्यूलेट होते हैं, तो आपको बहुत हेल्प करता है टू बी हैप्पी, टू बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. तो खैर मैं टॉपिक से चलेगी, तो कैसे कर लेती हूँ, बस करना है मुझे. मेरे को ये है कि मुझे करना है एंड देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर ही लेंगे. अगर आप नहीं करना चाहते लाइफ में कुछ भी तो आप नहीं करेंगे. फिर तो 10 बहाने बनाइए या कुछ भी करिए, वो आप नहीं करेंगे. तो मुझे करना है तो मैं कर लेती हूँ. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, या आई शुड टेक इट स्लो, या बॉडी हैज इट्स ओन साइंस ऑफ शोइंग कि स्लो डाउन. देन आई स्लो डाउन, आई टेक अ ब्रेक, आई टेक अ वीक ब्रेक और अ 10-day ब्रेक और आई डोंट डू एनीथिंग सम डेज. सो या बट ये है कि मुझे करना है, वो जुनून है. आपने फिटनेस के बारे में बताया, डांसिंग के बारे में बताया, आप जर्नलिज्म के बारे में बताया. सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स यही है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करूं, फिटनेस के बारे में बात करूं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करना चाहती हूं मैं. क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, थोड़े फॉलोअर्स हैं मेरे, कुछ लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे डीएम भी आता है, कॉल्स भी आ जाते हैं कभी कभी. तो just that you know I give 2 minutes and I talk to somebody. Matlab ek one lady called me a couple of months back and I just spoke to her for 2 minutes. She was a new mom and she was really hassled ki wapas nahi ja rahi hu, kaam nahi ja pa rahi hu, bacche ko chhod ke, body is not you know changed totally. So I just spoke to her for 2 minutes and honestly maine kuch nahi kara. I did not do anything for her, I did not help her in any way, I did not give her anything or मतलब कि मेरे साथ काम कर लिया जो ऐसे कुछ भी नहीं. बस आई जस्ट लिसन टू हर एंड शी जस्ट थैंक्ड मी इन द एंड कि मेरे को किसी से बात करनी थी, यू नो. तो
वही मेरा एम है अभी, विजन यही है टू हेल्प वुमेन इन वॉट एवर वे आई कैन. फिटनेस हो, इमोशनल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सो मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आउट देयर जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं. तो मेरा विजन वही है. प्रोफेशनली ऑफ कोर्स आई हैव माय ओन गोल्स. आई वांट टू सेट अप मे बी माय ओन कंपनी, माय ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टुमारो, हु नोज. बट पर्सनल लेवल पे मेरा यही गोल है टू टॉक अबाउट फिटनेस, टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, टू टॉक अबाउट वुमेन एंड देयर राइट्स एंड देयर इश्यूज व्हेयरएवर आई गो एंड व्हेनेवर आई कैन. Ma'am, before leaving, you want to say something to our audience? You want to spread any message about fitness? मैं यही बोलूंगी कि fitness should be a way of life. जैसे मैं पेरेंटिंग के बारे में बहुत बात करती हूँ तो लोग मेरी, माई डॉटर रीड्स अ लॉट, बहुत बुक्स पढ़ती है और हम ब्लेस्ड हैं कि यू नो शी हैज, शी इज ओनली 10 बट शी taken reading as a hobby and she writes also now poems and all that. So mujhse kai log poochte hain ki kaise reading karaye apne bachcho ko, kaise sikhaye. To koi bhi cheez ko na sikhate nahi, it becomes a way of life. To hamare liye reading is normal, all of us read. Aise nahi ki wohi padhegi aur hum nahi padhenge. To wohi baat hai ki fitness is a way of life. Jaise aap subah uthte hain, you brush your teeth, you get ready, you eat your food, that you exercise. It should be like that and it should be taken like that. It should not be taken more than that. It should not be taken less than that. Kai log zyada hi passionate hoke bahut exercise bhi kar lete hain. Aap marathon runner hain, aap samajh payenge main kya bol rahi hu, ki excessive misuse bhi karte hain body ka, excessive exercise karte hain, wo bhi faydemand nahi hai. You should be listening to your body also, but you should be active, you should be agile. Your goal should be to be able to do your work yourself. And as you old, as you age, as you grow old, you stay fit and active. वो goal होना चाहिए मेरे ख्याल से हर किसी का. और उसका फायदा ये है कि साथ साथ आप अच्छे भी लगने लगेंगे, because आप खुश रहेंगे, आप energetic रहेंगे, your skin will start glowing. You might lose weight also. So automatically bonuses बहुत सारे आ जाते हैं उसके साथ. So यही बोलूँगी कि make fitness a way of life. एंड फॉर मॉम्स मैं ये बोलूंगी कि फिट इंडिया मूवमेंट है, लोग कहते हैं कि हम फिट तो इंडिया फिट. मैं बोलती हूँ मॉम्स फिट तो इंडिया फिट, बिकॉज अगर एक मॉम फिट है तो घर पूरा फिट हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज खाना हेल्दी होगा, वॉकिंग इंक्लूड होगी, चलो पैदल जाते हैं, चलो एक्सरसाइज करते हैं. माई डॉटर ऑल्सो डज जुम्बा, शी ऑल्सो वॉक्स अ लॉट, शी गोज साइकिलिंग बिकॉज शी सीज मी डूइंग दैट. तो वही बात है कि मॉम्स को अपना सेहत का ख्याल बहुत जरूरी है रखना, अपने आप को बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिल्कुल निगलेक्ट ना करें एंड अपने हेल्थ पे फोकस करें, बिकॉज आप हेल्दी रहेंगे तभी आपका पूरा घर हेल्दी रहेगा. मैनी थैंक्स वंडरफुल मैसेज आपने बोला कि लिसन टू योर बॉडी, लव योरसेल्फ एंड लव योर बॉडी. एब्सोल्युटली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये तो मतलब हर चीज को, हर किसी को मानना ही पड़ेगा. तो दोस्तों आज का ये कंटेंट मैं यही खत्म करना चाहूंगा. विश यू ऑल द बेस्ट. आप आगे जो जो भी आपके एम्बिशंस है, जो गोल्स है, आप इसको अचीव कीजिएगा. विश यू ऑल द बेस्ट. तो ये कंटेंट मैं आज यहीं खत्म करना चाहूंगा. आगे आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारे इंस्पिरेशनल कंटेंट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा. टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन लाइक शेयर.